नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। पंजाब में चुनाव के अब चंद दिन बच गए हैं। 24 घंटे में चुनावी शोर खत्म हो जाएगा। 20 फरवरी को वोटिंग है, लेकिन चुनाव से पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान पर सियासत गर्म है। एक रोड शो के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भैये को पंजाब में नहीं घुसने देना है, और अब चन्नी के बयान पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सफाई आई है। देखिए, इनका काम क्या है, ये कुछ भी घुमा के इस तरह से, इनके साथ पूरी मीडिया है, आप लोग सब इनका समर्थन करते हैं। नहीं करते, नहीं आप करते हैं, सच्चाई आप जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वह सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कोई यूपी से आकर यहाँ पे राज करना चाहता है, कोई इंटरेस्टेड भी है। यूपी में भी नहीं चाहते कि पंजाब से कोई आके राज करे, ठीक है। अब जहाँ तक ये बात हुई कि मेरे खिलाफ़ माहौल बन रहा है, मेरे खिलाफ़ माहौल तो इनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि यूपी में कौन लड़ रहा है। 3 सालों से यूपी के जितनी भी समस्याएं, उनकी सरकार के खिलाफ एक ही पार्टी है जो लड़ी है, कांग्रेस पार्टी है। बाकी सब झुके हैं इनके सामने, निकले नहीं अपने घर से, इनको मालूम है। तो अब किसी न किसी तरह से अपमान किया है। भैया, आपने जो अपमान किया है ना यूपी के लोगों का, यूपी के किसानों का, यूपी के लोगों को इतनी महंगाई देके, उनकी को इनको इतनी बेरोजगारी देके, और जो अपमान आपने किया है कि आप ही के मंत्री के बेटे ने उनके किसानों को कुचला है। ये यूपी के थे वो किसान जिनको कुचला गया, आपने उसके उस मंत्री को अपने साथ स्टेज पे रखा, अभी तक उसका बेटा रिहा हो गया है जिसने उनको कुचला है। आपने नहीं अपमानित किया यूपी के लोगों को? कहाँ थे आप निकले जब किसान का आंदोलन था? कहाँ थे जब यूपी की महिलाओं का बलात्कार होता है तो आप मुंह भी नहीं खोलते हैं? ये अपमान है यूपी के लोगों का। आपको लगता नहीं बीजेपी माहौल बना रही है यूपी के लिए ये सारी बात? देखिए, बीजेपी का काम है कि फिजूल के मुद्दे उठाकर उन पे माहौल बनाने की कोशिश करे, लोगों के जज्बात उभार दे। चुनाव के समय धर्म की बातें करेंगे, जाति की बातें करेंगे, विकास की बात क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं कहते कि 5 सालों में उन्होंने यूपी में करके क्या दिखाया है, उन्होंने देश में क्या दिखाया है? देश में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई है भैया, 45 साल से नहीं हुई है। आज जितनी बेरोजगारी है, आज जितनी महंगाई है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का है होगा। ये स्थिति आ गई है, ये परिस्थितियां आ गई हैं इस देश में कि यूपी के लोगों को एक राशन के बोरे पर निर्भर कर दिया है सरकार ने। लोग इंतजार करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये बड़ा काम है, एहसास नहीं हो रहा है कि सरकार को जो करना था वो किया नहीं है। जो इतना उन्होंने कहा था कि इतने सारे रोजगार देंगे, उन्होंने कहा था विकास होगा, गुजरात मॉडल दिखाया था, जैसे यहाँ पे दिल्ली मॉडल दिखाया जा रहा था, तमाम चीज़ें हुई हैं, समस्याएं हुई हैं, लोगों की कमर तोड़ी गई हैं, लोग रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, ये लोग गायब हैं। तो इनको ऑब्वियसली इनको ऐसा फिजूल का मुद्दा उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं लगातार, 3 दिन 2 दिन हो गए, तीसरे दिन क्या समझ आए? अब आए, वो तो देखिए 5 सालों में तो नहीं आए, किसान आंदोलन था तब नहीं आए, कहाँ कहाँ गए, अमेरिका गए, कनाडा गए, इंग्लैंड गए, जापान गए, पाकिस्तान गए, बिरयानी खाई वहाँ, श्रीलंका, कहाँ कहाँ। आप कोई भी नाम ले लो किसी भी देश का, मेरे ख्याल से कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने इतना टूरिज्म कर डाला, लेकिन पंजाब नहीं आए। अब चुनाव हुआ है तब पंजाब आए हैं ना, तब पूछ रहे हैं ना आपको चुनाव के समय, तो बाकी टाइम कहाँ थे? पंजाब में क्या माहौल लग रहा है आपका? माहौल मुझे पक्का कांग्रेस का माहौल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार जरूर आएगी।